हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम एक बार फिर पिंड ज्यामिति का विषय ही लेके आए हैं। इसके अंदर पिंड ज्यामिति के अंदर वैसे तो त्रिआयामी आकृतियाँ आती हैं, परंतु त्रिआयामी आकृतियाँ करने से पहले हम कुछ सवाल ऐसे करेंगे जो द्विआयामी आकृतियों के होंगे। यहाँ पर तीन सवाल है हमारे पास, तीनों के अंदर ही एक वर्ग है और वो अलग अलग तरह से रखा हुआ है। पहला सवाल अगर हम देखें तो इसके अंदर वर्ग आपका क्षितिज धरातल HP पर लंबवत खड़ा है। आपको इसका सामनी और ऊपरी दृश्य बनाना है, यानी कि एलिवेशन और प्लान आप इसका बनाओगे। दूसरे सवाल के अंदर यही वर्ग है, भुजा 5 सेंटीमीटर ही है। अब की बार ये क्षितिज धरातल पर पड़ा है, अब इसका चित्र कैसे बनेगा वो आज हम देखेंगे। और तीसरा सवाल भी यही है, यहां भी आपका एक वर्ग ही है और ये क्षितिज धरातल यानी कि HP पर अब की बार अपने कर्ण के अनुसार खड़ा है, यानी कि कर्ण पर खड़ा है ये। तो इन तीनों इस सवाल को हम प्रैक्टिकल रूप से सोल्व करेंगे आज। अगर आपने मेरे पहले दोनों वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं हम कागज के बीचों बीच एक XY लाइन खींचते हैं। इस XY लाइन का जो ऊपर का भाग होता है उसको हम वर्टिकल प्लान कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल, जिसके अंदर हम सामने का दृश्य बनाते हैं। और जो XY लाइन के नीचे का भाग होता है उसको हम क्षितिज धरातल यानी कि HP बोलते हैं, और यहाँ हम ऊपरी दृश्य बनाते हैं। अब जैसा कि आज के प्रश्न के अंदर है, वो कहता है कि एक वर्ग है हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, उसका सामनी और ऊपरी दृश्य बनाना है, और वो वर्ग जो है आपका वो HP पर यानी कि यहाँ पर लंबवत खड़ा है। यानी कि आपके पास अगर ये वर्ग है 5 सेंटीमीटर का तो ये कुछ ऐसे खड़ा है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसका सामनी दृश्य आपको यूं का यूं वर्ग बनेगा, जो इसके साथ यानी कि XY के ऊपर यूं का यूं बन जाएगा, और ऊपरी दृश्य के अंदर आपको यही वर्ग कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि एक सीधी लाइन होगी 5 सेंटीमीटर लंबी। तो ऊपरी दृश्य के अंदर आप एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचोगे और सामने दृश्य के अंदर आप एक सीधा वर्ग बनाओगे जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर की होगी। इतना करते ही ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि ये वर्ग आपका HP पर खड़ा नहीं है, ऐसे पड़ा है। अगर ऐसे पड़ा है तो सामने दृश्य पर आपकी ऐसी सीधी लाइन चली जाएगी, यूं एक सीधी 5 सेंटीमीटर की लाइन आप सामने दृश्य पर बनाओगे, और ऊपरी दृश्य पर आपका ये अब की बार एक वर्ग हो जाएगा। ऊपरी से अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, और इसकी ये वाली भुजा XY के समानांतर होगी। तीसरे सवाल के अंदर यह कहता है कि आपका वर्ग HP पर खड़ा है परंतु कर्ण के अनुसार खड़ा है, यानी कि कुछ ऐसे। अगर ये ऐसे खड़ा है तो आपका सामने का दृश्य बिल्कुल XY लाइन के साथ जाएगा, परंतु वहां पर दोनों तरफ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपने एक वर्ग की रचना करनी है, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी आपकी कर्ण के समान। और अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो ऊपरी दृश्य आपका कुछ ऐसे बनेगा ये, और अब की बार सीधी लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर की नहीं होगी, अब की बार आपकी सीधी लाइन उतनी ही होगी जितना इस वर्ग का कर्ण है। तो आपको सीधी लाइन खींचने के लिए कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण आएगा आपका सामने के दृश्य से, यानी कि XY लाइन के ऊपर से। अब आप इन तीनों सवालों के हल देखिए और आराम से इन सवालों को समझने की कोशिश करिए। पहले सवाल में जब यह कहता है कि वर्ग आपका क्षितिज धरातल HP पर लंबवत खड़ा है, तो इसका मतलब अभी हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा था कि ये सामने के दृश्य में आपको पूरा वर्ग दिखाई देगा। तो ये जो XY लाइन है आपके, जिसको हम क्षितिज रेखा बोलते हैं, इसी के अंदर बीच में आपने कहीं भी कोई भी हिस्सा 5 सेंटीमीटर का लेना है, और इन दोनों किनारों पर आप 5-5 सेंटीमीटर लंबवत लाइन लेकर आप एक वर्ग बनाओगे, और XY लाइन से कुछ दूरी छोड़कर, आपको पता है कि ऊपरी दृश्य में आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी क्योंकि ये आपका एक पिंड नहीं है, ये आपकी द्विआयामी आकृति है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लंबी इसके बिल्कुल सामने नीचे XY के समानांतर एक लाइन खींच देंगे। हमारे दूसरे प्रश्न के अंदर आपका जो वर्ग है जो क्षितिज धरातल पर पड़ा है, जब आपका वर्ग पड़ा है यहाँ पर आपको ऊपरी दृश्य में तो पूरा वर्ग दिखाई देगा, परंतु सामने के दृश्य के अंदर जैसे यहाँ पर एक लाइन मात्र दिखाई दी थी, यहाँ भी एक लाइन ही दिखाई देगी। वैसे तो जब हम सामने का दृश्य बनाते हैं तो उसका बेस XY के ऊपर ही होता है, परंतु क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन है इसलिए हमने इसको XY के ऊपर ना दिखाकर थोड़ा सा ऊपर अलग से दिखा दिया ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे, नहीं तो XY पर ही इस लाइन को दिखाना होता है।
तीसरे सवाल के अंदर आपका जो वर्ग है वो करण पर खड़ा है, एचपी के ऊपर अपने करण पर खड़ा है, तो यहां पर यह वर्ग खड़ा है तो सामने के दृश्य में आपको यह पूरा खड़ा दिखाई देगा और इसका जो करण है वो ये करण होता है, इसके अनुसार ये खड़ा है, तो यानी कि ये ऐसे खड़ा होगा। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का कोण होता है और एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री का, तो 45 का कोण हम इधर लेंगे, 45 का कोण इधर, तो 45 का कोण इधर बनाते हुए 5 सेंटीमीटर भुजा हमने ली, 45 का कोण इधर बनाते हुए 5 सेंटीमीटर की भुजा ये लेंगे और यहां पर 90-90 कोण बनाते हुए आप एक वर्ग बना दोगे। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको इसकी पूरी चौड़ाई दिखाई देगी जितना इसका विकर्ण है, तो इस विकर्ण के समानांतर ही हम एक नीचे लाइन खींचेंगे। और आपको पता है कि ऊपरी दृश्य जब भी दिखाया जाता है तो एक्स वाई से थोड़ा सा नीचे दिखाया जाता है, तो हम यहां से बराबर दूरी पर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर दो बिंदु लेकर इनको पक्की मिला देंगे, क्योंकि ये आपका ऊपरी दृश्य होगा। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के अंदर हम त्रिआयामी आकृतियों को बनाना सीखेंगे। आगे फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।